देखिए कितना रसीला बना है, देखिए देखिए मुरब्बा हमारा कितना रसीला बनकर तैयार हुआ है। आप भी ऐसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में बताना कि कैसे कैसे लगी हमारी रेसिपी, और आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, वो बताइएगा। देखिए तो गाइस, आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए देखिए हमने आंवले लिए थे फ्रेश ताजे, और देखिए हमने उनको चूने के पानी में भिगा दिया था रात को ओवरनाइट के लिए, तो हम सुबह चेक कर रहे हैं। ये देखिए चूने के पानी में हमने भिगाया था, अब हम पानी को फेंक देंगे और आंवलों को धोकर अच्छे से फिर हम इनको बॉयल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने आंवले को अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है आंवला हमें। अगर ये जैसे हल्के हल्के पीले कलर के होते हैं, अगर ऐसे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा मुरब्बा बनता है। हमें ऐसे ही लेने चाहिए आंवले मुरब्बा बनाने के लिए, क्योंकि ये पके होते हैं आंवले। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें पानी भर देंगे, पानी इतना भरना इसमें कि आंवला हमारे डूब जाए। ये देखिए अब हम इनको बॉईल करने के लिए गैस पे रख देंगे। चलिए दोस्तों, इनको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं, ढककर हम इनको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। 5 मिनट हो गए, हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। वाह, 5 मिनट लगे हैं दोस्तों, देखिए सॉफ्ट हो गए हैं हमारे आलू, और हमें इतने ही सॉफ्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है वरना बिखर जाएंगे। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं बाहर, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, हल्का सा। तो दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए सारे आलू को हमने निकाल लिया बाहर। तो देखिए दोस्तों, हमें लेना है कांटे वाला 1 चम्मच। आलू हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनमें इस तरीके से ऐसे ऐसे इनको गोदे, देखिए बहुत पास पास करना है, इससे क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर तक सीरा जाएगा और हमारे मुरब्बा बहुत ही सॉफ्ट और जेली वाला बनेगा, जेलीदार मुरब्बा, जूसी, इसके अंदर तक जूस चला जाएगा। देखिए इस तरीके से गोदना है बहुत अच्छे से, और बहुत ही आराम से गोदना है वरना फूट जाएंगे हमारे मुरब्बे गोल, सॉरी आंवला। ये देखिए इस तरीके से गोद लीजिएगा आप भी। ये देखिए इस तरीके से हम एक आपको और दिखा देते हैं, ये देखिए आपसे जितना पास पास हो सके उतने पास पास करिए इनको। ये देखिए देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 250 ग्राम आंवला लिया है, तो 250 ग्राम ही चीनी भी चाहिए हमें, ये देखिए मुरब्बा बनाने के लिए। तो जल्दी इसको हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है, अब इसमें डालेंगे हम चीनी, चीनी डालेंगे और साथ ही हम इसमें ये आंवला भी डाल देंगे, और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना इसमें। तो दोस्तों, इसको हम इस तरीके से धीरे धीरे मिक्स करेंगे।
इसको चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी पिघल ना जाए पूरी तरीके से। देखिए दोस्तों पिघलने लगी है हमारी चीनी थोड़ी थोड़ी, ये देखिए। तो दोस्तों इसको हमें चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, चलाते जाना है। देखिए कम से कम हमें 5 से 6 मिनट तक इसी तरह इसको चलाते हुए पकाना, जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके आलू से पानी नहीं निकल रहा तो उसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हमारे आंवले से पानी रिलीज़ हो गया था तो हमने पानी यहाँ पे नहीं ऐड किया। आप अगर आपके आंवले से कभी कभी हो जाता है पानी नहीं रिलीज होता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए चीनी में, वरना जलाओ जल सकता है आपका। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, हम इसको अभी 5 मिनट तक और पकाएंगे, जब तक कि हमारा ये जलाओ एकदम शहद की तरह ना हो जाए, तब तक हम इसको चलाते हुए पकाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिया हरी इलायची 3। देखिए फ्लेवर लाने के लिए हम इनको ऐसे ही छील कर डालेंगे, कूटना नहीं है, कूटेंगे नहीं। तो देखिए इस तरीके से छील कर डाल देते हैं हम इसमें, इससे इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद है इलायची का फ्लेवर तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पक रहा है, इसी तरह चलाते हुए पकाना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए मुरब्बा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, पूरे पूरे हमें यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक 20 मिनट लगे हैं दोस्तों मुरब्बा बनने में। 20 मिनट में हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, इस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके मुरब्बे में, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, देखिए इसकी गड्ढी गड्ढी चाशनी बन गई है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा तड़का, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तड़का लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने लिया मंगरेल, कुछ लोग इसको कलौंजी भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए ये वही है अनियन सीड जिसे बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोला जाता है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, छोटा चम्मच थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल 1 चम्मच डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर तेल तेल का फ्लेवर आने लगेगा आपके मुरब्बे में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बिल्कुल जरा सा डालना है। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, अब हमने यहाँ पे जो लिया था कलौंजी वो डाल दिया है तेल में, ये थोड़ा सा चटक गए हैं बस, थोड़ा सा, ज़्यादा जलाना नहीं है हमें, बिल्कुल हल्का सा ही चटकने लगे तो बस बाहर कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों चटकने लगा है मंगरेल हमारा, अब हम इसको मुरब्बे में, ठंडा हो गया है मुरब्बा हमारा, ये देखिए उसमें हम डाल देंगे तड़के को, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया,
तो ये देखिए कितना बढ़िया मुरब्बा हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो आप भी बना सकते हो, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इसको हम एक बाउल में पलट लेते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा बना है रसीला मुरब्बा हमारा। तो इसको हम 3-4 दिन के बाद खाएंगे, खाने के लिए रेडी हो जाएगा 3 से 4 दिन में। बहुत ही अच्छा। तो देखिए कितना जूसी और रसीला बना है मुरब्बा हमारा। ये देखिए आप चाहे तो और ज़्यादा बनाकर रख सकते हो दोस्तों। मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा बनाया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। अगली बार बहुत सारा बनाकर रखूँगी, साल भर के लिए स्टोर करके रखूँगी। तो देखिए है ना कितना रसीला, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बाय बाय। जय हिंद। जय